हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइफ का मतलब तमाशा नहीं, खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल आरजेसी न्यूज दिखाए आपके जरूरत की। सीपरी बाजार में सब्जी व्यापारियों के तकरीबन 120 दुकानों ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। सीपरी बाजार में सब्जी व्यापारियों की तकरीबन 120 दुकान लगती हैं, जिसको लेकर कुछ दिनों से भूमाफिया व नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा था कि यहां आए दिन हटाने बचाने की बात चलती रहती थी। तो वही परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, सीकरी बाजार सब्जी व्यापार मंडल शासन प्रशासन से मांग कर रहा है कि इनकी दुकान यहां से बिल्कुल नहीं हटाई जाए। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे सब्जी मंडी व्यापारी ताहिर हुसैन, अख्तर राहिन, रसूल, शमसुद्दीन, खेमचंद, अर्जुन, जीतू राय आदि लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अख्तर अध्यक्ष नहीं, हमने हमारे पूरे पार्षद हैं, पूरे भाई हैं, हम सब व्यापारी एक हैं। आज आप यहाँ पर क्यों आए? हम जिला अधिकारी को ज्ञापन देने आए। हमें नगर निगम द्वारा कर्नल वाजपेयी की द्वारा धमकी दी जा रही और कहा जा रहा है कि अगर आप लोग मंडी खाली नहीं करते तो हम PSC लगा के मंडी को तोड़ देंगे। तो हम 50-60-70 सालों से अपना कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो कौन सा कानून कहता है कि हम लोग को हटा दिया जाए? तो केंद्र सरकार का भी कानून कहता है कि जो 50 साल से जो कारोबार कर रहे हैं जिस जगह पर, वो विरासत बाजार घोषित किए जाएंगे। और अगर यही हमारा यूपी सरकार का कानून है तो हम लोगों को उत्पीड़न किया जा रहा है नगर निगम द्वारा। हम लोग इसीलिए अपनी बात को लेकर आए हैं जिला अधिकारी तक कि हमारी बात को पहुँचाई जाए और हम लोगों के साथ हम अन्याय ना हुआ जाए, क्यों हम लोग गरीब दुकानदार हैं और हम सब बेचारे अपना घर गृहस्थी का पालन पोषण करते हैं। हमारे साथ 1,500 लोग जुड़ा हुआ है हमारा परिवार, उसके साथ साथ 2,00,000 से ज़्यादा पूरी झांसी जनपद में सब्जी जाती है और उससे ज़्यादा किसान, कम से कम हमारे हजारों किसान इस मंडी से जुड़ा हुआ, सीपरी और सब्जी मंडी से किसान जुड़ा हुआ हजारों, तो सबका कारोबार चौपट हो जाएगा, हम सब बेरोजगारी पे आ जाएंगे। वैसी रोजगार सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी हमारा रोजगार छीनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जिला अधिकारी के पास सब बच्चों को लेकर, अपने बूढ़े पुरानों को लेकर, यहाँ अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाकर, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, इसलिए हमारी बात मानी जाए।